हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एस पी सी। वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन। अ फोर्स एफ 20 + 10y N एक्ट ऑन पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, वेयर एफ इन न्यूटन और वाई इज इन मीटर। वर्क डन बाई दिस फोर्स मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 मीटर एज। देखो, इसका पहले की कंसेप्ट बता देता हूँ अलग से, कि एक तो अगर एफ फोर्स कॉन्स्टेंट हो, अगर आपका फोर्स कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन जो निकालना है आपको, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एक तो पॉइंट ही है आपका। लेकिन अगर एफ वेरिएबल हो विद एक्स वेरिएबल हो, तो पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स वैक्टर लगा सकते हो बीच में डॉट, या फिर एफ वैक्टर या डी एस वैक्टर ले देता हूँ, एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और अगर टोटल बर्डन, टोटल बर्डन निकालना हो, टोटल वर्क डन, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ डी एस थीटा, ये हम करते हैं। एक तो ये है और ये है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ आती होगी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है सोल्यूशन। पहले डायग्राम बना लें कि आपका ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है, उस पर जो फोर्स है, ये पार्टिकल है, इस पर जो फोर्स लगा है वो वाई दिशा में लग रहा है, और पार्टिकल मूव भी कर रहा है वाई बराबर 0 टू वाई बराबर 1 मीटर, मतलब वाई में मूव कर रहा है, और ये फोर्स वेरिएबल है, एफ बराबर 20 + 10y N। तो देखो, ये वाला जो फोर्स है एफ, ये वेरिएबल है विद वाई, वाई के साथ। ठीक है, इसीलिए हमें पहले स्मॉल बर्डन निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर एफ डी वाई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स ही इधर लग रहा है और मूव भी उधर ही कर रहा है। हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया ऐसे, और वो आपका मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, या यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है डी वाई ऐसे। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये डी वाई डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट डी वाई ले लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें टोटल बर्डन चाहिए, देन टोटल वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ डी वाई कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू कितनी, 20 + 10y और डी वाई। देखो, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट वाई की आएंगी, और लिमिट हमें कल लिखनी है 0 से 1 तक का बर्डन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ 1 इंटीग्रेशन कर दो, डब्ल्यू बराबर 20 dy 0 टू 1, 20 dy का मल्टीप्लाई कर लिया इधर से, और इधर से इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 10y dy। तो 20 दोबारा आ गया, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, लिमिट हो गई 0 टू 1 + 10y का इंटीग्रेशन हो गया y² / 2, और लिमिट हो गई 0 टू 1। सॉल्व करें तो 20 लिमिट पुट करें यहाँ पे, तो 1 - 0 प्लस, ये 2 से कट गया 5 बार, तो 5 लिमिट पुट करें तो 1 - 0 1 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर ऐसे, तो ये हो गया 20 + 5, दैट मीन्स 25 जूल वर्डन आ गया आपका, 25 जून। इसलिए इसकी चॉइस हो गई बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।